रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले में मोहम्मद सिराज की गेंदबाजी इतनी शानदार रही कि पंजाब किंग्स की टीम को इस मुकाबले में जीते हुए मुकाबले में भी पूरी तरह से धूल चटा दी। सिराज ने 4 ओवर में 21 रन देकर 4 विकेट अपने नाम किए, जिसके बाद उन्हें मैन ऑफ द मैच के अवार्ड से तो नवाजा ही गया, लेकिन इस बीच उन्होंने कोहली को लेकर दिल जीत लेने वाली बात कह दी है, जिसे सुनकर शायद आप भी सलाम करेंगे। तो क्या कुछ कहा मोहम्मद सिराज ने कोहली को लेकर, आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। मोहाली के मैदान पर खेले गए इस मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की पहली बल्लेबाजी की शुरुआत काफी ज्यादा खतरनाक रही। फाफ डुप्लेसिस और विराट कोहली ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए सभी गेंदबाजों का धागा ही खोल दिया और पहले विकेट के लिए 137 रनों की साझेदारी करी। कोहली 47 गेंदों में 59 रन बनाकर आउट हुए। उसके बाद मैक्सवेल पहली ही गेंद पर 0 के स्कोर पर आउट हो गए, लेकिन डुप्लेसिस ने 56 गेंदों में 84 रनों की पारी खेली। इसके बाद कोई भी बल्लेबाज कुछ बड़ा नहीं कर पाया और टीम 174 रन तक ही पहुंच पाई। लक्ष्य का पीछा करने उतरी पंजाब किंग्स की टीम को पहला झटका मोहम्मद सिराज ने दिला दिया पहले ही ओवर में अदरब को 4 के स्कोर पर LBW आउट कर गए, लेकिन उसके बाद शॉट काफी ज्यादा खतरनाक अंदाज में दिख रहे थे, छक्का भी लगा चुके थे। कोहली ने तुरंत ही उनकी मंशा को भाप लिया और गेंदबाजी में परिवर्तन करते हुए हसरंगा को गेंदबाजी के लिए बुला लिया। हसरंगा ने पहली गेंद पर शॉट को बोल्ड मारकर यह साबित कर दिया कि विराट कोहली के पास अनुभव और काबिलियत की कोई कमी नहीं है। इस विकेट के बाद पूरी तरह से मनोबल बढ़ चुका था, लेकिन क्रीज पर लियाम लिविंगस्टोन आए थे जो कि काफी खतरनाक बल्लेबाजी के लिए प्रसिद्ध हैं, लेकिन सिराज की आग उगलती हुई गेंदबाजी के आगे वह पूरी तरह से बीट हो गए। हालांकि LBW की अपील तो हुई लेकिन अंपायर ने नकार दिया, लेकिन इस जगह कोहली ने धोनी की तरह DRS का फैसले को लिया और जब थर्ड एम्पायर के पास फैसला गया तो देखा गया लिविंगस्टोन क्लियर आउट थे। कोहली की एक और काबिलियत को देखकर पूरे मैदान में सिर्फ कोहली का डंका बज रहा था। उसके बाद महज 43 के स्कोर पर 4 विकेट गिरा लिए थे। विराट कोहली की शानदार कप्तानी ने कमर ही तोड़ कर रख दी थी। RCB की टीम को लगभग जीत की दहलीज पर पहुंचा दिया था। उसके बाद 7 विकेट पंजाब किंग्स की टीम के गिर चुके थे महज 106 रन के स्कोर पर। उसके बाद जितेश शर्मा ने कुछ चौके छक्कों की बारिश करते हुए इस मुकाबले में रोमांच पैदा कर दिया। 147 रन टीम का स्कोर हो चुका था और अंतिम 3 ओवर में 30 रनों की जरूरत थी। ऐसे में मोहम्मद सिराज को विराट कोहली ने गेंदबाजी देते हुए कुछ गाइड भी किया और उन्हें ठीक तरह से गेंदबाजी कराने की सीख दी, जिसके बाद सिराज की गेंदबाजी इतनी ज्यादा शानदार रही कि उन्होंने पहले हरप्रीत बराल को 13 के स्कोर पर बोल्ड मारा और उसके बाद नेथन एलिस को 1 के स्कोर पर बोल्ड मार के लगभग पंजाब किंग्स की कमर ही तोड़ दी थी। और उसके बाद 19वें ओवर में जितेश शर्मा को हर्षल पटेल ने कैच आउट करा दिया और इस मुकाबले में 24 रन से पंजाब किंग्स की टीम जीत गई। लेकिन टीम की जीत के असली हकदार है मोहम्मद सिराज रहे, जिन्होंने 19वें ओवर में 2 विकेट निकालकर अपनी टीम को जीत के करीब पहुंचाया और उसके बाद उन्हें मैन ऑफ द मैच दिया गया। लेकिन अपनी शानदार गेंदबाजी का राज खोलते हुए उन्होंने सारा श्रेय कोहली को दिया। उन्होंने कहा कि विराट भाई की वजह से ही इतनी शानदार गेंदबाजी कर पाया हूं। उन्होंने हर DRS में मेरा साथ दिया और वे DRS भी हमारे समर्थन में निकले। इसके अलावा वे कप्तानी कर रहे थे तो मुझे काफी ज्यादा गाइडेंस भी मिल रही थी। दुनिया जानती है कोहली भाई के पास क्रिकेट का कितना ज्यादा अनुभव है। और जब अंतिम ओवरों में मुकाबला फंस गया था तो उन्होंने मुझे गेंदबाजी में परिवर्तन करने की सलाह दी। मैंने कोहली भाई के मुताबिक गेंदबाजी करी और परिणाम पूरी तरह से हमारे पक्ष में रही। 2 विकेट ले पाया जिसकी वजह से हमारी टीम इस मुकाबले को जीत गई। लेकिन कोहली भाई दुनिया के बेहतरीन कप्तान भी हैं, इस बात का सबूत ने आज दे दिया। मेरी गेंदबाजी का सारा श्रेय उन्हें ही जाता है। इस तरह से दिल जीत देने वाली बात कही है मोहम्मद सिराज ने और सारा श्रेय कोहली को दे दिया। वैसे आप सभी कोहली की शानदार कप्तानी और सिराज की गेंदबाजी के लिए क्या कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्रिकेट से जुड़ी सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल क्रिकेट।